आप देख रहे हैं इंटरनेशनल SSE न्यूज। 50,000 रुपए रिश्वत लेते धराया सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी। खरगोन जिले में सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारी ने सहयोगी शेरू मालाकार से मिलकर रिटायर्ड शिक्षक रमेश चंद्र से जमा अंश पूंजी निकालने के नाम पर 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की। पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपए देने की बात हुई, जिसकी शिकायत रिटायर्ड शिक्षक ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ SP को की। इस दौरान इंदौर टीम ने कसरावत बस स्टैंड पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जबकि आगामी कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट SSE न्यूज कसरावद। दिनांक 24/11/2021 को श्री रमेश चंद्र जालदे हैं, वो सहायक शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं कसरावद से। उनके वो फरवरी माह में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको जो कोई उनका स्वतों का भुगतान होना था, जिसमें GPF और पेंशन प्रकरण का उसका निर्धारण किया जाना था। इसके निर्धारण के लिए जो संबंधित यहाँ लिपिक है अखिलेश पगारे, पूर्व में बोरावा में पदस्थ रहे हैं, तो इनके द्वारा इनसे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही है। तो इस पर से यह प्रताड़ित होकर इन्होंने दिनांक 24/11/21 को पुलिस अधीक्षक POW इंदौर में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और अपनी पूरी व्यथा उन्होंने बताई थी। पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय शाह द्वारा इस संबंध में एक कार्रवाई हेतु ट्रेप दल का गठन किया गया था। शिकायत की तस्दीक कराई गई। ट्रेप दल में उप पुलिस अधीक्षक श्री अनिरुद्ध वालिया के नेतृत्व में ट्रेप आज यहाँ पर आया था कसरावद में। फरियादी रमेश चंद्र गुजादे जो हैं, उनके इसने आरोपी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो रिश्वत की राशि लेकर यहाँ आया है, तो उन्होंने उसको बस स्टैंड पर आने का बताया कि मैं बस स्टैंड पर आ रहा हूँ। आरोपी अखिलेश पगारे अपने एक साथी शेरू मालाकार हैं, उनको साथ लेकर और बस स्टैंड पर कसरावद में आया। और फरियादी ने जैसे ही उसको रिश्वत की राशि 50,000 रुपये दी, वैसे ही आरोपी अखिलेश पगारे ने उससे लेने से मना किया कि नहीं, मैं नहीं लूँगा, और उसने उस राशि को शेरू मालाकार को देने के लिए कहा। इस पर फरियादी द्वारा शेरू मालाकार को राशि प्रदान की गई और शेरू मालाकार से राशि लेकर आरोपी अखिलेश पगारे ने अपने पास प्राप्त करके जेब में रखी। तो फरियादी ने जैसे ही हम ट्रेप दल को इशारा किया, वैसे ही इन दोनों को कसरावद में पकड़ा गया है और अभी कार्रवाई इस संबंध में जारी है। इस संबंध में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अखिलेश पगारे के विरुद्ध धारा 7 प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी शेरू मालाकार के विरुद्ध धारा 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई जा रही है। दोनों को अभी छोड़ेंगे या तो छोड़ सकते हैं? हाँ, नहीं, इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इसमें हम लोग कार्रवाई के उपरांत उनको देर रात तक या आवश्यकता वगैरह हमारी विवेचना आदि सुबह तक चलेगी, तो फिर सुबह तक हम सर इसमें दूसरा आरोपी जो है वो पैसे लेने के मामले में आएगा। ये अभी अनुसंधान का विषय है कि दूसरा आरोपी इसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसको कितना इस प्रकरण में शामिल है। मैं निरीक्षक विनोद सोनी और मेरे साथी श्री पुलिस अधीक्षक DSP अनिरुद्ध वालिया।